स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी कहानी सेवक। गप्पी आदमी ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मेरी एक दुकान थी। ये तब की बात है जब लॉली एक्सटेंशन आज की तरह नहीं था। तब यहां 100 से कम ही घर थे। मार्केट रोड कम से कम मील भर दूर थी और जब मैंने यहाँ एक छोटी सी इमारत खरीदी तो एक्सटेंशन के लोगों ने मेरा बहुत आभार माना। जब एक शुभ दिन उस पर मैंने एक बोर्ड लटका दिया जिस पर लिखा था नेशनल प्रोविजन स्टोर। मैंने घर घर जाकर ऑर्डर इकट्ठे किए। खाने पीने की हर जगह जाकर मैंने जानकारी ली और अपनी दुकान को हर चीज से भर लिया। एक्सटेंशन में बच्चों के स्कूल की इंटरवल की घंटी बजती तब बच्चों की भीड़ मेरी दुकान में घुस पड़ती और मिठाई, रंग बिरंगी गोलियां, रिबन, कॉपी, कलम वगैरह, अपने काम का जो कुछ मिलता उसे ले लेती। मैं हर रोज 25 रुपए का उधार और 10 रुपए का सामान नगद बेचता था। इस तरह मुझे हर महीने 50 रुपए की आमदनी हो जाती जो मेरे लिए काफी थी। मैंने कबीर स्ट्रीट पर 5 रुपए महीने किराए का घर लिया। वो दुकान से मील भर दूर था। मैं सवेरे 7 बजे घर से निकलता और 9 बजे रात में हिसाब किताब पूरा करके लौटता। इस तरह 1.5 साल गुजर गया। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया। वो 20 का लगता था, गोरा चिट्टा और साफ सुथरे कपड़े पहने। मैंने उसे खरीदार समझकर पूछा, तुम्हें क्या दूं? जवाब में उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बस बदले में मुझे 2 वक्त का खाना, कपड़े और सोने की जगह चाहिए। लड़के के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चमक थी कि वो मुझे एकदम भा गया। इसके अलावा उसके माथे पर 3 लाइन का भस्म का तिलक था और भौहों के बीच सिंदूर की लाल बिंदी लगी थी। लगता था कि वो अभी अभी मंदिर से आ रहा है। मैं भगवान का भक्त हूँ और धार्मिक विश्वासों को मानता हूँ। मैं घंटा भर उससे बात करता रहा। उसने बताया कि वो त्रिचनापल्ली के गाँव के धनी परिवार का लड़का है। कुछ साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया और पिता ने एक रखेल रख ली जो उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और वो बार बार घर से भाग जाता है। उसकी कहानी से मैं काफी परेशान हुआ। मैंने उसे अपने घर भेज दिया। शाम को जब मैं वापस लौटा तब मैंने पाया कि उसे सब लोग बहुत चाहने लगे हैं। मेरी पत्नी को उसकी कहानी ने बहुत दुखी किया था। कितना छोटा है, पत्नी बोली, और इस उम्र में माता पिता दोनों छूट जाएं, कितनी बुरी बात है। ये कहकर उसने लंबी सांस भरी। दसियों ढंग से उसने घर वालों का मन मोह लिया था। वो मेरे छोटे बच्चे को घुमाने ले गया था। वो घर आया तो उसने पहली बात यही कही, रामू को यहीं रहने दो, बहुत अच्छा है, वो जादू जानता है, शेर चीते और हाथी पाल सकता है। रामू किचन में भी चला गया और काम करने लगा। पहले मेरी पत्नी ने विरोध किया तो वो बोला, माँ मुझे चूल्हे के पास क्यों नहीं जाने देती? आप सोचती हैं कि मैं खाना नहीं बना सकता? एक बार बनवा कर देखिए तो। ये कहकर वो बाथरूम में घुस गया, नहाया और बाहर आया, फिर माथे पर भस्म लगाई। इससे पत्नी बहुत प्रभावित हुई। उसने उसे खाना बनाने दिया। उसका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट था। हम सब बहुत खुश हुए। इसके बाद उसने बर्तन वगैरह साफ करने में पत्नी की मदद की। रात को वो खुली जमीन पर सोया और बिस्तर लेना स्वीकार नहीं किया। सवेरे वो सबसे पहले जागा, स्टोव जलाकर पत्नी को जगाया, दोपहर को मेरा खाना लेकर आया। जब मैं खा रहा था स्कूल के बच्चों की खरीदारी से निबटता रहा, उनको चीजें दी और किस्से कहानियां सुनाकर हंसाया, और जब उनकी जरूरत की कोई चीज दुकान में ना होती तो समझा कर कोई दूसरी चीज दे देता। इसका परिणाम हुआ कि वो दुकान के काम में मेरा हाथ बटाने लगा। उसका व्यवहार बहुत आकर्षक था। ग्राहकों को उससे बात करना अच्छा लगता था। बहुत कम समय में वो एक्सटेंशन के हर घर के साथ इतना घनिष्ठ हो गया कि सब उसे घर का सदस्य मानने लगे। वो हर घर की भीतरी कहानी जान गया। वो हर एक की हर जरूरत पूरी करने लगा। कहीं वो किसी के बगीचे में काम करता, कहीं किसी के लिए मकान का सौदा तय करता, लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाता, जिद्दी बच्चों को समझा बुझा कर स्कूल भेजता, एक्सटेंशन में एलिमेंटरी स्कूल की सब कार्यवाहियों में हिस्सा लेता, क्लब के आंदोलन में रुचि लेता। इंस्पेक्टर जब स्कूल का मुआयना करने आता तब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर उसके लिए फूल माला का प्रबंध करता। इस सब के साथ वो दुकान का काम भी करता था। रोज वो बाजार जाता और थोक की दुकान से अपनी दुकान के लिए माल खरीद कर लाता था।
घंटों दुकान पर बैठता और ग्राहकों को चीजें बेचने के साथ हिसाब किताब की लिखा पढ़ी भी करता था। रामू की मेहनत का फल यह हुआ कि मेरा व्यापार 10 गुना बढ़ गया। अब मुझे आराम भी बहुत मिलने लगा। मैंने दुकान पूरी तरह उसके हाथों में छोड़ दी। दोपहर को मैं खाना खाने घर जाने लगा। इसके बाद मैं 3 बजे तक सोता, फिर मैं दुकान जाता और वहां 5 बजे तक रहता, जिसके बाद मैं बगल के क्लब में दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने चला जाता, फिर रात को 7 बजे दुकान बंद करने वहां जाता। एक दो बार मैंने पत्नी से बातचीत की कि इसे मासिक वेतन देना चाहिए। हमें लगने लगा था कि हम रामू की भलमनसाहत का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जब उससे बात की तो उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो बोला, फिर ये बात की तो मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस तरह 5 साल गुजर गए। हमारे साथ उसकी उम्र भी बढ़ी। वो हमारे अच्छे बुरे दिनों में हमारे साथ रहा। अब मेरे 4 बच्चे थे। मेरा व्यापार उन्नति करता जा रहा था। उसी सड़क पर हमने बड़ा घर ले लिया था। दुकान की लीज भी लंबी कर ली। हर तरह का सामान हमारे यहाँ भरा रहता था। मैंने अपना व्यापार भी बढ़ा लिया। अब मैं पास के गांव से ढेर सारा मक्खन खरीदता और उसे मद्रास के मक्खन और घी व्यापारियों को बेचने लगा। इससे बहुत लाभ होता था। मैं गांव और मद्रास के बीच घूमता ही रहता था। दुकान पूरी तरह रामू के हाथों में थी। मद्रास में जॉर्ज टाउन के एक व्यापारी के यहाँ ठहरता था। एक दफा मुझे ज्यादा दिन रुकना पड़ गया। एक दिन मैं रामू के लिए चिट्ठी डाक में डालने जा रहा था, तार वाला मेरे पास आकर रुका और उसने मुझे एक तार पकड़ाया। मैंने खोला तो रामू का तार था। उसमें लिखा था, पिताजी हैजा से मर रहे हैं, मुझे तुरंत जाना है, आप वापस आ जाएं, रामू। दूसरे दिन मैं सवेरे 5 बजे मालगुड़िया पहुंचा। रामू स्टेशन पर था। उसी गाड़ी से वो तृष्णापल्ली जा रहा था। गाड़ी कुछ मिनट ही रुकती थी। रामू आंखों में आंसू भरे बोला, पिताजी कभी नहीं सोचा था कि उन्हें हैजा। मैंने उसे धीरज बंधाया। वो जैसे टूटा पड़ रहा था। मैंने कहा, पिताजी ठीक हो जाएंगे, ज्यादा चिंता मत करो। दुकान के बारे में पूछताछ करने का मेरा मन नहीं हुआ। उसने खुद ही कहा, मैंने चाबी और हिसाब किताब सब माँ को दे दिया है। ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, फिक्र मत करो। गाड़ी ने सीटी बजाई। रामू उछलकर 3रे दर्जे के डिब्बे में चढ़ गया। गाड़ी आगे बढ़ी। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और कहने लगा, कल रात की गाड़ी से मैं वापस आ जाऊंगा, अगर पिताजी ठीक हुए तो, जो हो, मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। किट्टू ने कहा है कि मेरे लिए लकड़ी का पहिए वाला हाथी लाना, उससे कहिएगा जरूर लाऊंगा। माँ को मेरा नमस्कार। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। ट्रेन चलने लगी तब भी वो देर तक खिड़की से झांकता कहता नजर आया, मैं जल्द लौटूंगा। मद्रास का कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं हफ्ते भर तक दुकान जा ही नहीं सका। फिर जब मैंने दुकान खोली तो पहली चीज ये देखी कि दुकान खाली पड़ी थी। सिर्फ एक थैले में मोटा चावल था और सस्ते साबुन के 2-4 बार थे। सब अलमारियां और बर्तन खाली थे। मैंने रजिस्टर खोले और जांच की, सब हिसाब किताब गड़बड़ था। उन्हें एक तरफ रखकर मैंने सामान भरने का फैसला किया। जरूरी चीजों की सूची बनाई और बाजार गया। मेरा थोक का दुकानदार सादिक सेठ आराम से गद्दी पर बैठा था। उसने मेरा स्वागत किया। मैंने उसकी सहायता से ही काम शुरू किया था। वो मुझे उधार पर जितना मैं चाहूं दे दिया करता था। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उसे सामान की सूची पकड़ाई। वो बोला, तुम्हें 300 रुपये का सामान चाहिए? मेरी राय है कि अपना कर्जा मत बढ़ाओ, अभी सिर्फ 50 रुपये का सामान ले जाओ। उसने इस तरह मुझसे पहली दफा बात की थी। वो कह रहा था, मुझे गलत मत समझना, तुम मेरे दोस्त हो, तुम व्यापार करते हो, मैं भी व्यापारी हूं, इसलिए जो बात है वो सही सही बताता हूं। इस वक्त तुम्हारे खाते में 3500 रुपये बाकी हैं, और अगर पिछले 3 महीने में तुमने एक भी किस्त चुकाई होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन सेठ, पिछले महीने मैंने तुम्हें देने के लिए 400 रुपये भेजे थे, इससे पिछले महीने 350, और इससे पहले, इससे कुल मिलाकर। यह सुनकर उसने अपना खाता खोला। पिछले 4 महीने में सिर्फ एक किस्त दी है, जब 1000 रुपये का बिल था। इसके बाद हर रोज करीब 40 रुपये की खरीदारी की गई है। लड़के ने कहा था कि जब आप मद्रास से लौटेंगे तब सारा पैसा चुका देंगे। यह सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मैं फिर आऊंगा, ये कहकर मैं दुकान लौट आया। मैंने सारी किताबों की फिर जांच की। बहुत सा पैसा बकाया था। ये पैसा इकट्ठा करने में दूसरे दिन लोगों से मिलने गया। उन्हें मेरी बात सुनकर आश्चर्य हुआ। जरूर कोई गलती हुई है,
हमने 15 दिन पहले ही सब बिलों का भुगतान कर दिया था, नहीं तो रामू हमें जिंदा नहीं रहने देता, मेरी पत्नी ने कहा। तुम्हारे पीछे रामू रात को 12 बजे घर आता था, मुझसे कहता था कि हिसाब किताब ठीक करने में देर हो जाती है। मैं हर रोज पूछती आज व्यापार कैसा रहा, वो हमेशा जवाब देता अच्छा भी खराब भी, लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। लॉली एक्सटेंशन के एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, तुम्हारा वो लड़का कहाँ है? मैंने उसे बताया, फिर वो कहने लगा, सुनो मेरी बात, इसे अपने तक ही रखना। तुम्हें याद है हमारे बगल में वे हैदराबाद के लोग रहते थे? हाँ हाँ, तुम्हारा लड़का उनके साथ जरा ज्यादा ही घुलता मिलता था। उनकी एक लंबी सुंदर सी लड़की भी थी, लड़का हर शाम उसे टैक्सी पर घुमाने ले जाता था। शाम को 6 बजे वो दुकान बंद कर देता था। कुछ ही दिन पहले वे लोग हैदराबाद चले गए हैं। बाद में जब मैंने मार्केट रोड में पता लगाया तो रामू ने 4 ट्वीट के सूट सिलवाए थे, 18 सिल्क की कमीजें और करीब 100 रुपए के और कपड़े और चमड़े के सूटकेस खरीदे थे, 4 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मखमल के स्लीपर, 1 हाथ की घड़ी, 2 अंगूठियां, सिल्क की साड़ियां, ब्लाउज के कपड़े और दूसरी चीजें। मैंने रामू के एक रिश्तेदार से संपर्क किया जो मद्रास के एक बैंक में काम करता था। उसने बताया उसका पिता ठीक ठाक है, उसे कोई हैजा वगैरह नहीं हुआ। इसके अलावा रामू कभी त्रिचनापल्ली गया ही नहीं, वो कहाँ गया ये पता ही नहीं है। उसके खत के अंत में लिखा था, एक आदमी जब घूम कर लौटा तो उसने बताया कि उसने एक संगीत सम्मेलन में रामू जैसी शक्ल के एक आदमी को देखा था, लेकिन इस बारे में निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने अपनी दुकान और बचा कुचा सब सामान बेच दिया और मालगुडी भी छोड़ दी। अब मैं दिवालिया हो चुका था और एक बीवी तथा 4 बच्चे पालने के लिए हम जगह जगह घूमते, कभी यहाँ कभी वहाँ, संबंधियों और दोस्तों के यहाँ खाते पीते जिंदगी गुजारते रहे। कई दफा कुछ खाने को ना होता तो हम किसी धर्मशाला के एक कोने में पड़े रहते और मेरे बच्चे भूख से तड़पते भी लगते रहते। मैं अपनी तकलीफों से आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ये एक अलग कहानी है। मैं रामू का क्या हुआ ये बताऊंगा। अपने बारे में सिर्फ ये कि 4 साल पहले मेम्पी हिल्स में एक कॉफी बागान के मालिक से मेरा संबंध बना और ईश्वर को धन्यवाद कि उनकी कृपा से कॉफी के व्यवसाय में मुझे बहुत सफलता मिली और मेरी स्थिति सुधर गई। अब रामू की कहानी। साल भर पहले मैं तिरुपति की पहाड़ियों पर हांफता हुआ चढ़ रहा था क्योंकि मुझे अपना एक व्रत पूरा करना था। 2000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुझे किनारे किनारे बैठे साधुओं और भिखारियों में से एक परिचित सी आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया और मुड़कर उधर देखा, ये तो वही था। 10 साल पहले मालगुडी के स्टेशन पर उसे आखिरी बार देखा था और पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और उस पर दाग धब्बे और गड्ढे भी थे। उसकी आंखें एक ही तरफ देख रही थीं। अगर उसने भीख के लिए आवाज ना लगाई होती तो मैं उसे पहचान ही ना पाता। आवाज उसकी वही थी। मैं रुक गया और बोला, मेरी तरफ देखो। मैं तो अंधा हूं। कौन हो तुम, कहां से आए हो? मैंने अपनी आवाज बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। अपने रास्ते जाओ, मेरे बारे में सब कुछ क्यों जानना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं अक्सर लोगों से कहता था कि अगर मुझे रामू मिल गया तो सबसे पहले मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, लेकिन उसे इस रूप में देखकर मैं परेशान हो गया। मैंने उसके कटोरे में 1 पैसा डाला और आगे बढ़ा, लेकिन फिर मैं रुक गया और उसकी बगल में बैठे भिखारी से बात करने लगा। मैं तुम्हें 1 आना दूंगा अगर तुम इस अंधे के बारे में मुझे कुछ बताओगे। मैं इससे जानता हूं, भिखारी बोला, उसकी बाहें नहीं थी, हम साथ रहते हैं, उसकी आंखें नहीं हैं पर हाथ हैं, इस तरह हम एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक साथ घूमते हैं। वो मेरी तरह भिखारी नहीं है बल्कि सन्यासी है, 2 साल पहले यहां आया था, इससे पहले हैदराबाद, दिल्ली, बनारस या कहीं और से, जहां उसके पास काफी पैसा था। चेचक से उसकी आंखें चली गई, उसकी बीवी अच्छी औरत नहीं थी, वो उसे छोड़कर चली गई। वो सारी दुनिया को बुरा समझता है। उत्तर से आने वाले कुछ तीर्थ यात्री उसे यहां ले आए, लेकिन उसे ये सब मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बातें बताई। पिछले दिनों की बातें सुनकर वो पागल हो उठता है। मैं रामू के पास आया, उसके सामने खड़े होकर उसे ध्यान से देखा।
मन हुआ कि चिल्ला कर कहूं, रामू तुम्हें भगवान ने बहुत सजा दे दी है, अब मेरे साथ चलो। तुम्हारी प्रेमिका कहाँ रह गई? मेरा पैसा कहाँ है? तुम्हारे ऊपर कौन सा राक्षस सवार हो गया? लेकिन मुझसे बोला नहीं गया। मुझे लगा कि इसके ऊपर दया करना यही होगा कि अकेला छोड़ दूं। मैंने उसके फैले हुए हाथ पर धीरे से 1 रुपया रखा और तेजी से ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अगले मोड़ पर रुककर मैंने उसकी ओर फिर नजर डाली। ये उस पर मेरी आखिरी नजर थी। 4 दिन बाद जब मैं वहां से वापस लौटा तब वो वहां नहीं था। शायद अपने साथी भिखारी के साथ वो कहीं और चला गया था।